दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम दे रहे होंगे। अभी हम लोग एक ऐसे करेंगे, जॉन रस्किन का ऐसे है, बी सेकेंड ईयर सिलेबस में है, टाइटल है द वैल्यू ऑफ वेल्थ। तो ऐसे बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा बड़ा ऐसे है, जितना हो सकता है उतना मैं टेक्स्ट टू टेक्स्ट कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं कि ऑथर कौन है ना। तो ऑथर कुछ इस तरह के हैं कि देखिए, लाइफ स्पेन तो 1819 से 1900 बेसिकली बोल दो आप। तो ये विक्टोरियन एज, विक्टोरियन एरा उसकी राइटर हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो, है ना। विक्टोरियन एरा कब स्टार्ट होता है? 1837 टू 1901 तक रहा है ना, तो उस एज में इन्होंने लिखा है। ये एक बहुत ही ठीक ठाक अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब इनके जो पेरेंट, इसके फादर थे वो एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे, है ना, शराब वाइन के व्यापारी थे। इनकी मदर एक कह सकते हो आप अच्छी खासी, मतलब इवेंजेलिकल चर्च, या जो उनका धर्म संप्रदाय जो क्रिश्चियंस का है, उसकी एक अच्छी खासी पुजारिन थी, एक तरह से मतलब फॉलोअर थी। तो इनमें मतलब मोरालिटी तो भर भर के, मतलब भरी हुई थी, एक तरह से माँ की तरफ से आई थी मोरालिटी तो पूरी इनकी ना। और जो इनकी तरफ से आप बोल सकते हो, फादर की तरफ से इनको मिला घूमना फिरना, क्योंकि फादर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अपने ट्रेड के सिलसिले में, क्योंकि मर्चेंट थे तो इधर से उधर जाते थे, तो ये भी उनके साथ साथ में खूब घूमे यूरोप में, कभी किस कंट्री में कभी किस कंट्री में। तो इन्होंने दुनिया भर की आर्ट देखी, दुनिया भर का आर्किटेक्चर देखा, दुनिया भर की कह सकते हैं चीजें देखी तरह तरह की। तो इनको मतलब, और इन्होंने देखा कि मिडिल क्लास लोगों की क्या जरूरत होती है, जो नया नया मिडिल क्लास उभर के आया था उस वक्त, क्योंकि दैट वाज द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वो औद्योगिक क्रांति के जस्ट बाद का टाइम था। और उस वक्त एक मिडिल क्लास जो मध्य वर्ग है ना, वो उभर के निकल रहा था बाहर। तो मध्य वर्ग, नया नया मध्य वर्ग निकल रहा था, जिसके पास ठीक ठाक पैसा आना शुरू हुआ था, जो कि जिसने थोड़ी थोड़ी अमीरी देखना स्टार्ट की थी। तो इन्होंने उस मध्य वर्ग को देखा कि उनकी नीड्स क्या है, वो किस तरह के जीवन जीते हैं, व्हाट आर देयर स्टाइल ऑफ लिविंग एंड ऑल दैट, है ना। तो बेसिकली इनकी राइटिंग में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि सोसाइटी में मोरालिटी को बहुत मतलब ऊंचा दर्जा देते हैं ये, कि जो भी चीज करो वो मॉरल्स पर बेस्ड होना चाहिए, नैतिक चीजों पर बेस्ड होना चाहिए, नैतिक शिक्षा पर बेस्ड होना चाहिए ना, मॉरल वैल्यूज नैतिक गुणों पर बेस्ड होनी चाहिए सोसाइटी में। ये सोसाइटी के तौर तरीके उनके क्रिटिक रहे हैं, आलोचक रहे हैं कि चीजें, क्योंकि जब जो इंसान सब चीजों को मोरालिटी के तराजू पे देखेगा तो वो तो हर चीज में अच्छा बुरा देखेगा ही, है ना, उस तरह के राइटर हैं। अब क्योंकि जैसा मैंने बताया, क्रिटिक आर्ट के क्रिटिक रहे हैं, क्योंकि इनका मानना था कि आर्ट मॉरल्स पर बेस्ड होनी चाहिए, मतलब आर्ट, अगर आपने कोई आर्ट बनाई है या आर्ट के आप फॉलोअर हैं, तो आप कि आर्ट क्या है वो मॉरल्स कन्वे करनी चाहिए उसमें, मतलब उससे नैतिक चीजें निकल के आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्ट सिर्फ आप एस्थेटिसिज्म, या फिर बोल सकते हो सिर्फ अच्छी दिख रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि सिर्फ कला की दृष्टि से देख रहे हो, मतलब केवल कला की दृष्टि से वो आर्ट को नजर, मतलब नहीं देखते थे। उनका मानना था कि आर्ट को सिर्फ आर्ट की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, आर्ट को आप उस तरह से भी देखें कि आर्ट एक नैतिक शिक्षा दे दुनिया को। तो आर्ट के क्रिटिक थे आर्किटेक्चर, आर्किटेक्ट थे, मतलब आर्किटेक्चर के अच्छे खासे फॉलोअर थे, इनको अच्छे खासा ज्ञान था आर्किटेक्चर का, है ना। पेंटर भी थे, गिफ्टेड पेंटर थे, काफी अच्छे पेंटर थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, राइटर थे, मतलब बहुत कुछ थे देखा जाए तो, है ना। तो इन्हीं के ऊपर उन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी है, मॉडर्न पेंटर्स पेंटिंग के ऊपर बहुत शानदार किताब है, 5 वॉल्यूम्स, है ना। सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के ऊपर किताब है, स्टोन्स ऑफ वेनिस भी आर्किटेक्चर के ऊपर किताब है, अनटू दिस लास्ट पॉलिटिकल इकोनॉमी पर किताब है। तो ये बड़े वाइड नॉलेज रखने वाले बंदे थे, अलग अलग फील्डों की, कई सारे फील्डों में स्पेशलिस्ट भी थे, जैसे कि पेंटर बहुत अच्छे थे, आर्किटेक्ट की नॉलेज रखते थे ना, आर्ट के क्रिटिक थे, तो ये सब चीजों में काफी आगे थे। एक फेमस ट्रायल भी हुआ था, ये विस्लर एक बंदे थे जिनका मानना था, मतलब वो आर्ट को एक तरीके से आर्ट के सीख से देखते थे, और ये जो जॉन रस्किन थे वो चाहते थे कि आर्ट मोरालिटी के हिसाब से होनी चाहिए, मोरल शिक्षा देनी चाहिए। तो इनके बीच में काफी एक ट्रायल भी चला था, केस भी चला था 1878 में, विस्लर रस्किन ट्रायल ना। उसके बाद में विस्लर तो बर्बाद ही हो गए, परंतु रस्किन को फाइनेंशियली तो कोई लॉस नहीं हुआ उस केस के बाद में, पर हाँ ये है कि रस्किन की जो इमेज थी ना, वो काफी गिर गई थी आर्ट की पर्सपेक्टिव में, लोग इनको आर्ट का, मॉडर्न आर्ट का दुश्मन मानने लगे थे क्योंकि मॉडर्न आर्ट बेसिकली क्या है, आर्ट फॉर द आर्ट से एक है कि आर्ट को आर्ट की नजर से देखो। ऐसा नहीं है कि अगर आर्ट में, सपोज फॉर उदाहरण के तौर पे किसी ने कोई महिला की पेंटिंग बनाई, अर्धनग्न महिला, हाफ न्यूड विमेन,
तो पेंटिंग में आई, तो मॉडर्न आर्टिस्ट तो उसको एक पेंटिंग की तरह देखते हैं कि इट्स ए पेंटिंग, इट्स एक आर्ट, एक कला है। इसको ऐसा नहीं देखना चाहिए कि पेंटिंग का सब्जेक्ट क्या है, इसको ऐसा देखो कि ये कितना सही बनाया है, ये कैसा बनाया है, क्या कला है, उसको कला की दृष्टि से देखो। ऐसा मत देखो कि इसमें क्या लेडी बनाई है, कपड़े पहने रखे वगैरह, उस तरह से नहीं। मोरालिटी की दृष्टि से मत देखो उसको, कैसे देखो कला की दृष्टि से देखो। ये तो मॉडर्न आर्ट बोलती है, परंतु रस्किन इस चीज को फेवर नहीं करते थे, इसलिए इनको मॉडर्न, एक तरह से इस केस के बाद में जॉन रस्किन को बोल सकते हो आप मॉडर्न आर्ट का दुश्मन भी मानने लग गए लोग, और आर्ट का एक बड़ा क्रिटिक मानने लग गए मॉडर्न आर्ट का। तो ये इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो गई है ना। अभी हम लोग आज के अपने ऐसे पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ वेल्थ। तो जो इनका ये ऐसे है ना, वैल्यू ऑफ वेल्थ, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पर बेस्ड है, ठीक है, पॉलिटिकल इकोनॉमी पर। सही तरह लिखा हम लिया है, इसको इग्नोर करो ना। तो देखो जॉन रस्किन क्या लिखते हैं, सपोज वो लिखते हैं, सपोज टू सेलर्स कास्ट अवे ऑन अन इनहेबिटेड कोस्ट एंड ऑब्लाइज टू मेंटेन देमसेल्स देयर बाय देयर ओन लेबर फॉर ए सीरीज ऑफ ईयर्स। कि सपोज दो नाविक हैं, वो एक दूसरे अन इनहेबिटेड कोस्ट यानी कि ऐसे तट पे पहुंच गए जहां पर कोई नहीं रहता है, ठीक है, एंड ऑब्लाइज टू मेंटेन देमसेल्स देयर बाय देयर ओन लेबर, और वो खुद ही मेहनत करके सालों साल बिताने की वहां प्लानिंग करते हैं, सीरीज ऑफ ईयर्स, कई साल बिताने की मतलब प्लानिंग करते हैं एक दूसरे के साथ साथ में, मतलब मेहनत करते हैं आपस में, है ना। इफ दे बोथ कैप देयर हेल्थ, अगर वो दोनों स्वस्थ रहते हैं एंड वर्क स्टेडली, और मतलब लगातार काम करते हैं, निरंतर काम करते हैं, एंड इन अमिटी विद ईच अदर, और एक दूसरे के साथ में मेल भाव सही रखते हैं, मतलब मिलजुल कर रहते हैं, दे माइट बिल्ड देमसेल्स ए कन्वीनियंट हाउस। तो वो दोनों मेहनत करके एक अच्छा खासा घर बना पाएंगे खुद के लिए, एंड इन टाइम कम टू पजेस ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, और कुछ समय में उनके पास में जुताई करने लायक यानी कुछ उगाने लायक जमीन भी इकट्ठा हो जाएगी, जंगल काट के बना लेंगे जमीन, जो भी होगा जमीन भी उनके पास हो जाएगी, घर भी बना लेंगे वो। मतलब दोनों मिलके काम करते हैं, हेल्थ भी सही रहती है, लगातार निरंतर मेहनत करते रहते हैं, तो वो खुद के लिए इतनी प्रॉपर्टी बना लेंगे, ठीक है, और टुगेदर विद वेरियस स्टोर्स लेड अप फॉर द फ्यूचर, साथ में वो गोदाम भी बना लेंगे साथ में मिलके फ्यूचर के सामान रखने के लिए, मतलब अनाज वगैरह सब चीज रखने के लिए। तो ये सब चीजें वो कर लेंगे, साथ साथ वो रहते हैं, काम करते हैं मिलकर के, ठीक है। अब देखो ऑल दीज थिंग्स वुड बी रियल रिचेज और प्रॉपर्टी, ये सब चीजें उनकी मतलब रियल संपत्ति होगी इधर से, एंड सपोजिंग, परंतु फिर बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो द मैन बोथ टू हैव वर्कड इक्वली हार्ड, दे वुड ईच हैव द राइट टू इक्वल शेयर और यूज ऑफ इट। सपोज करो उन दोनों ने, आदमियों ने बराबर वर्क किया है, इक्वली हार्ड वर्क किया है, कठोर परिश्रम बराबर किया है दोनों ने, अब तक जो प्रॉपर्टी क्रिएट करी है उसको डेवलप करने में उन्होंने बराबर काम किया है, ठीक है, तो उनका हिस्सा भी जो होगा ना वो भी इक्वल होगा, उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने का अगर बंटवारा करें तो बिल्कुल इक्वल हिस्सा होगा, बराबर काम किया है ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देयर पॉलिटिकल इकोनॉमी वुड कंसिस्ट मियरली इन केयरफुल प्रिजर्वेशन एंड जस्ट डिविजन ऑफ दीज पोजिशन। तो उनकी जो पॉलिटिकल इकोनॉमी होगी ना, पॉलिटिकल इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आप कुछ ऐसे निर्णय लेना जो कि आपकी अर्थव्यवस्था पर असर डालें, ठीक है। तो उनका निर्णय, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में क्या चीज आएगी, उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी में सिर्फ ये आएगी कि खुद की संपत्ति का ध्यान से रख रखाव करना और इस संपत्ति का बराबर एकदम सही ढंग से बंटवारा करना जो उन्होंने पैदा करी है, ठीक है। परहैप्स हाउएवर आफ्टर सम टाइम वन और अदर माइट बी डिससैटिस्फाइड विद द रिजल्ट्स ऑफ देयर कॉमन फार्मिंग। अगर मान लो शायद, मतलब हम ये मान के चलते हैं कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम एक या दूसरा व्यक्ति, दोनों में से कोई एक या फिर दूसरा जो भी है दोनों में से, या दोनों के दोनों ही इस बात से डिससैटिस्फाइड होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, किस बात से कि उन्होंने जो आपस में कॉमन फार्मिंग करी है, मिलजुल के जो खेती बाड़ी करी है, कॉमन फार्मिंग करी है, उसके वो रिजल्ट से असंतुष्ट होता है, मतलब डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। मान लो कोई एक डिससैटिस्फाइड हो जाता है, दोनों डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमने वो साथ मिलकर जो काम किया है मैं हमसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो दे माइट इन कॉन्सिक्वेंस एग्री टू डिवाइड द लैंड दे हैड ब्रॉट अंडर द स्पेड इनटू इक्वल शेयर्स। तो हो सकता है कि वो फिर परिणाम स्वरूप क्या करेंगे, दे माइट इन कॉन्सिक्वेंस, इसके परिणाम स्वरूप वो क्या होंगे, वो एग्री हो जाएंगे, वो सहमत हो जाएंगे डिवाइड करने पर कि हम इस जमीन को आपस में बांट लेते हैं, जो कि उन्होंने अभी तक ब्रॉट अंडर द स्पेड इन टू इक्वल शेयर, जो उन्होंने आपस में इकट्ठा करी है उसको इक्वली बांट लेते हैं, इक्वल हिस्से में, सो दैट ईच माइट थेंसफोर्थ वर्क इन ओन फील्ड। सो इसके बाद में, ऐसा करने के बाद में वो फिर अपनी अपनी खेतों में अपने अपने हिस्से पर काम करेंगे, जब बंटवारा हो जाएगा तो फिर वो उसके हिस्से पर करेगा, वो उसके हिस्से पर करेगा, ठीक है, एंड लिव बाय इट, और ऐसे ही जिएंगे, ठीक है। सपोज दैट आफ्टर दिस अरेंजमेंट हैड बीन मेड वन ऑफ देम वर टू फॉल इल। अब फिर सपोज करिए, आप इस सिचुएशन को मानिए कि मान लो ऐसा होता है कि इस अरेंजमेंट के बाद में, यानी कि इस बंटवारे के बाद में, आफ्टर दिस अरेंजमेंट, आफ्टर दिस मतलब इस बंटवारे के बाद में, वन ऑफ देम वर टू फॉल इल, उनमें से कोई एक मान लो बीमार पड़ गया, ठीक है, एंड बी अनेबल टू वर्क ऑन हिज लैंड एट ए क्रिटिकल टाइम, और जो बीमार पड़ गया जो व्यक्ति वो अपनी जमीन पर काम नहीं कर पाता है,
और वो भी ऐसे टाइम पे काम नहीं कर पाता जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, क्रिटिकल टाइम है, ठीक है। जैसे कि मान लो बुआई का टाइम है, खेती बुआई का टाइम, या फिर फसल काटने का टाइम है, ऐसे महत्वपूर्ण टाइम पे मान लो कोई एक बीमार पड़ जाता है और वो काम नहीं कर पाता है, तो फिर क्या होगा? ही वुड नेचुरली आस्क द अदर टू सो और रीप फॉर हिम। तो प्राकृतिक बात है, मतलब स्वाभाविक बात है कि वो जो है व्यक्ति जो बीमार है वो दूसरे वाले से मदद मांगेगा, उससे बोलेगा भाई यार तुम मेरी जगह खेत बो दे या मेरी जगह फसल काट ले। अब देन हिज कंपेनियन माइट से विद परफेक्ट जस्टिस आई विल डू दिस एडिशनल वर्क फॉर यू, बट इफ आई डू इट यू मस्ट प्रॉमिस टू डू एज मच फॉर मी एट अनदर टाइम। तो देखो उसका जो साथी है वो भी उससे कहेगा, जो कि बिल्कुल विद परफेक्ट जस्टिस, जो कि बिल्कुल न्यायिक मतलब न्याय रूप से ठीक भी है, न्यायोचित भी है, मतलब एकदम परफेक्टली जस्टिफाइड है, मतलब एकदम सही बात है। वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि देख ठीक है आई विल डू दिस एडिशनल वर्क फॉर यू, मैं तेरे लिए ये एक्स्ट्रा काम कर दूंगा, बट इफ आई डू इट, लेकिन अगर मैं ये करता हूँ यू मस्ट प्रॉमिस टू डू, तो तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा किस चीज का? टू डू एज मच फॉर मी एट अनदर टाइम, कि किसी दूसरे समय पर तुम्हें मेरे लिए भी इतना ही काम करना पड़ेगा जितना मैंने तुम्हारे लिए किया है। आई विल काउंट हाउ मेनी आवर्स आई स्पेंड ऑन योर ग्राउंड, बोला मैं गिनूंगा कि तुम्हारे खेत पर मैंने कितने घंटे काम किया है, मैं वो गिनूंगा, एंड यू शैल गिव मी ए रिटन प्रॉमिस टू वर्क फॉर द सेम नंबर ऑफ आवर्स ऑन मी, और तुम्हें इसके बदले में मुझे एक लिखित में प्रॉमिस देना पड़ेगा कि तुम भी उतने ही घंटे मेरे लिए काम करोगे। वेन एवर आई नीड योर हेल्प, जब कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े, एंड यू आर एबल टू गिव इट, और तुम मेरी मदद करने के लिए समर्थ भी हो, तो उस सिचुएशन में तुम्हें मतलब अपन को रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा कि मैंने इतने घंटे तुम्हारे इस खेत पे काम किया है, तुम्हें भी बाद में जब मुझे जरूरत पड़ेगी और तुम देने लायक हो, मतलब हेल्प करने की कंडीशन हो, तो तब तुम्हें मुझे उतने घंटे काम करके देना पड़ेगा मेरे खेत में। तो इस तरह की मान लो सिचुएशन हो गई है, ठीक है। अब सपोज करो द डिजेबल्ड मैन सिकनेस टू कंटिन्यू, कि जो व्यक्ति बीमार पड़ गया था उसकी बीमारी लगातार जारी है, एंड दैट अंडर वेरी सर्कमस्टेंसेज, और बहुत से मतलब ऐसे परिस्थितियों में फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, रिक्वायरिंग द हेल्प ऑफ द अदर, उसे दूसरे आदमी की लगातार जरूरत पड़ रही है, उस व्यक्ति की, उसके मतलब साथी की जरूरत लगातार पड़ रही है। ही ऑन ईच ओकेशन गेव ए रिटन प्लेस टू वर्क, और वो हर अवसर पर एक लिखित में प्रॉमिस लिख के देता है, वही कि एज सून एज ही वॉज एबल, कि जब भी वो खुद वर्क करने योग्य होगा तो वो क्या करेगा, अपने साथी के ऑर्डर पर उतने ही घंटे उसकी जमीन पे काम करेगा जितने इसने मेरी जमीन पे किया है, मतलब हर बार वो ये लिख के दे देता। वॉट विल द पोजिशन ऑफ द टू मैन बी एंड वेन द इनवैलिड इज एबल टू रिज्यूम वर्क, तो क्या पोजिशन होगी दोनों व्यक्तियों की जब इनवैलिड व्यक्ति, इनवैलिड मतलब जो बीमार व्यक्ति है वो अपना काम करने योग्य हो जाएगा, उस वक्त क्या पोजिशन होगी दोनों की? देखो अब आगे मान के चलते हैं, कंसिडर्ड एज ए पोलिस और स्टेट, इन दोनों व्यक्तियों को दो राज्य मान लो आप, ठीक है। दे विल बी पुअर देन दे वुड हैव बीन अदरवाइज, तो ये दोनों राज्य, दोनों व्यक्ति गरीब होंगे, मतलब जब वो जो एक व्यक्ति जो बीमार है वो जब ठीक हो जाएगा और काम करने हो जाएगा, तो तब हम अगर दोनों की परिस्थिति मानेंगे तो ये दोनों बीमार मतलब दोनों गरीब होंगे, मतलब गरीब कंपैरिजन में, तुलना में गरीब होंगे। कौन किसके तुलना में? पुअर बाय द विड्रॉल ऑफ व्हाट द सिक मैन्स लेबर वुड हैव प्रोड्यूस इन द इंटरवेल। देखो इसलिए क्योंकि वो गरीब होंगे, बिकॉज देन दे वुड हैव बीन अदरवाइज, कि वो गरीब नहीं होते, मान लो एक व्यक्ति अपने पे लगातार काम करता रहता, दूसरा व्यक्ति अपना काम करता रहता, तो वो एक बेटर पोजिशन में होते। अभी क्या हुआ है, एक व्यक्ति तो काम करना बंद कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने उसके खेत पे काम किया, ठीक है। अभी ये दोनों उसकी तुलना में, जो तुलना मतलब दोनों अपने अपना काम करते रहते, उसकी तुलना में ये अभी गरीब है। क्यों? उसका देखो ऐसा एक तो ये हो गया, पुअर बाय द विड्रॉल ऑफ द व्हाट द सिक मैन्स लेबर वुड हैव प्रोड्यूस इन द इंटरवेल। पहली बार तो गरीब इसलिए क्योंकि जो बीमार व्यक्ति है वो भी तो काम करता ना, अब उसने काम नहीं किया तो उसका काम तो काउंट ही नहीं हुआ, है ना। तो मतलब इतने टाइम तक उसने उसकी मेहनत तो काम ही नहीं आई, मतलब उसका मेहनत का तो कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ, इसलिए ऑब्वियसली बात है कंडीशन कहीं और होती, उससे अब नीचे रह गई है, एक तो ये चीज हो गई। अब हिज फ्रेंड में परहैप्स हैव टॉइल्ड विद एन एनर्जी क्विकेंड बाय द एनलार्ज नीड, बट इन द एंड हिज ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी मस्ट हैव सफर्ड बाय द विड्रॉल ऑफ सो मच ऑफ हिज टाइम एंड थॉट फ्रॉम देम। अब उसका जो मित्र है जिसने उसके खेत पे काम किया है, ठीक है, उसने में परहैप्स ने शायद बहुत मेहनत करी है, काफी एनर्जी लगा के, क्योंकि डिमांड काफी बढ़ गई थी, जरूरतें काफी बढ़ गई थी, एनलार्ज हो गई थी जरूरत, है ना। बट इन द एंड आखिरकार हुआ क्या, वो खुद की जमीन पर, खुद की प्रॉपर्टी पर तो उतना ध्यान नहीं दे पाया ना, जितना समय वो दूसरे की उसके खेत में दे रहा था वो उतना ही समय वो अपनी प्रॉपर्टी से दूर हो गया, तो खुद की प्रॉपर्टी तो कम हो गई ना, उतनी विकसित नहीं हुई उसने उसकी बचाने के चक्कर में, ठीक है। अब देखो
एंड हिज ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी मस्ट हैव सफर्ड, वो भी पक्का उसी खुद की प्रॉपर्टी खुद की जमीन भी उतनी ही सफर हुई होगी, उतनी ही भुगती होगी, परेशान मतलब उसे सफर करना पड़ा बाय द विड्रॉल ऑफ सो मच ऑफ हिज टाइम एंड थॉट फ्रॉम हिम, कि इतना समय उसके मालिक ने दूसरी जमीन पे बिता दिया और इतने विचार उसने दूसरी जमीन को काम करने में लगाए, इतने वो उस पर रहता, खुद के पे रहता तो वो खुद की प्रॉपर्टी और भी ऊपर होती है ना। And the united property of the two men will be certainly less, and then it would have been if both had remained in healthy and activity. And the united property of the two men will certainly less. तो दोनों की जो united property, कुल मिला के जो property दोनों आदमी की होगी ना वो काफी कम होगी. Then it would have been if both had remained in health and activity. किसकी तुलना में, अगर दोनों के दोनों हेल्थी होते और दोनों दोनों काम कर रहे होते अपनी अपनी जमीन में, जब उन दोनों की वेल्थ को आप कुल मिला के काउंट करते हैं तो वो कई गुना ज्यादा होती, किसके कंपैरिजन में, अभी के कंपैरिजन में, अभी दोनों की मिला के गए तो काफी कम है, क्यों, उसने एक ने तो बिल्कुल ही काम नहीं किया और दूसरे ने सिर्फ उस टाइम उसके मतलब उसकी हेल्प करी, क्रिटिकल टाइम्स पे उसकी मतलब मदद करने वो आया, परंतु खुद की जमीन छोड़ के आया तो खुद की जमीन में कमी रह गई एक तरीके से, उसमें उतनी पैदावार नहीं हुई या फिर उस पर इतना ध्यान नहीं पड़ा, तो दोनों की कुल मिला के जो प्रॉपर्टी थी वो उससे कम रह गई जितनी हो सकती थी अगर दोनों दोनों स्वस्थ होते और काम करते, ठीक है। But the relations in which they stand to each other are also widely altered. परंतु उनके आपसी संबंध भी काफी कुछ बदल गए हैं अब। कैसे? The sick man has not only placed his labor for some years, but will probably have exhausted his own share of the accumulated stores. कि जो बीमार व्यक्ति है, उसने अपने मतलब बहुत सारे घंटे, कई सालों तक वो अपनी मजदूरी है, मजदूरी जो है उसकी वो एक तरह से गिरवी रखते जा रहा है दूसरे के लिए, कि मैं तेरे को आगे जब भी ठीक हूंगा मैं तेरे खेत में काम करूंगा, वो गिरवी रखते जा रहा है खुद की मजदूरी एक तरीके से कई सालों से, साथ में ये तो मजदूरी तो गिरवी रखी दी, अब वो काम तो करना पड़ेगा ही उसे दूसरे खेत में। बट विल प्रोबेबली हैव एग्जॉस्टेड हिज ओन शेयर ऑफ द अनएक्युमुलेटेड स्टोर, परंतु उसने संभवत है खुद की जो स्टोर्स, खुद के जो अन्नघार वगैरह, जो उसकी खुद के जो गोदाम वगैरह है, उनका खाना भी उसने लगभग लगभग खत्म कर दिया इतने सालों में, जो उसके इकट्ठा कर रखा था वो भी उसका एग्जॉस्ट हो गया है, खुद का शेयर भी जो उसने स्टोर्स में एक्यूमुलेट कर रखा था। एंड विल बी इन कॉन्सिक्वेंस फॉर सम टाइम डिपेंडेंट ऑन द अदर फॉर फूड, और इसके परिणाम स्वरूप उसे कुछ समय के लिए डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, निर्भर रहने पड़ेगा उस दूसरे व्यक्ति के खाने पर, विच ही कैन ओनली पे और रिवॉर्ड हिम फॉर बाई येट मोर डीपली प्लेसिंग हिज ओन लेबर। अब जो वो सामने वाला उसको खाना भी देगा तो इसके बदले में इसको फिर उसे कुछ देना पड़ेगा, तो ये फिर क्या करेगा, प्लेज लिख के देगा कि भाई मैं तेरे खेत में इस खाने की कीमत के हिसाब से और काम कर लो, ठीक है। ऐसे ही तो पे कर पाएगा वो, और कैसे पे करेगा वो, पे इसी तरीके से कर पाएगा कि येट मोर डीपली प्लेसिंग हिज ओन लेबर, खुद की मजदूरी को और गिरवी रख देगा सामने के सामने, सामने वाले के सामने। अब सपोजिंग द रिटन प्रोमिसेस टू बी हेल्ड एंटायरली वैलिड, अब हम ये मान के चलते हैं कि जो उसने आज तक लिख लिख कर प्रोमिसेस दिए हैं वो पूरी तरह वैलिड हैं, क्योंकि वैलिड होंगे अगर हमको वैलिड मतलब कानून तौर पर सही है, क्योंकि जो सिविलाइज नेशन है, जो सभ्य देश होते हैं उनमें इस तरह के लीगल मेजर्स मतलब होते हैं ना, अमंग सिविलाइज नेशन वैलिडिटी सिक्योर्ड, कि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट की पूरी वैलिडिटी सिक्योर की जाती है, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसको जरूर से जरूर इंप्लीमेंट किया जाता है सिविलाइज नेशन में ना, यानी जो भी सभ्य देश हैं जिनमें कानून व्यवस्था बनी रहती है उनमें तो ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे तो कोर्ट उसको अप्लाई करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं कि उनकी रिटर्न प्रॉमिस बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। तो द पर्सन हु हैड हिथरटू वर्कड फॉर बोथ माइट नाउ If he choose rest altogether and pass his time in idleness. अब देखो, जो व्यक्ति जिसने अब तक है ना, अब तक उसने काम किया, worked for both might, मतलब जो एक व्यक्ति खुद के खेत पे काम कर रहा था और अब दूसरे के खेत पे भी काम कर रहा था अब तक, मान लो वो अब क्या करे, वो चूज करे रेस्ट ऑल टूगेदर, आराम करने की सोचे, भाई मैं अब आराम करूंगा, एंड पास इज टाइम इन आइडलनेस, और खुद का समय व्यतीत करे मौज मस्ती में, आराम में, नॉट ओनली फोर्सिंग हिज कंपेनियन टू रिडीम ऑल द एंगेजमेंट्स ही हैड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू, तो वो न केवल उसका जो साथी है जिसके खेत में उसने काम किया था जाके, उसको फोर्स भी करेगा, वो बिल्कुल फोर्स करेगा कि ठीक है भाई मैं तो अब काम नहीं कर पा रहा हूँ मेरे खेत में, मतलब खुद आराम करने बैठ जाएगा, अब तू आके मेरे खेत में काम कर जो आज तक इतने घंटे तूने प्लेस किए हैं, है ना। तो वो अपने कंपेनियन से वो सारे घंटे वापस वसूलेगा, सारे ऑल द एंगेजमेंट्स ही हैड ऑलरेडी एंटर्ड इनटू, वो सारे आज तक उसने जो एंगेजमेंट साइन किए हैं और उससे वो सारे के सारे वापस लेगा, उसके प्लेजेस फर्दर लेबर, आगे जितने भी घंटे काम करना है, मतलब टोटल वो सारे घंटे जो उसने आज तक साइन किए वो सब उससे वसूलेगा, टू एन आर्बिट्री अमाउंट फॉर व्हाट फूड ही हैड टू एडवांस टू हिम, और जो खाना उसने दिया उसके बदले में भी वो मनमान ढंग से
पूरे सब घंटे वसूल करेगा, ठीक है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्यों? क्योंकि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है उसके, उसने खेत में काम किया है तो अब वो भी सब कुछ वापस लेगा उतने घंटे। तो सभ्य देशों में इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड है, यानी पूरी तरह से सही है, ठीक है। अब देयर माइट नॉट फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट बी द लीस्ट इलीगैलिटी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड। और बिल्कुल सही बात है कि इसमें फर्स्ट टू लास्ट, पहले से आखिर तक, इसमें बिल्कुल भी कोई इलीगैलिटी, कोई कह सकते हो आप, कोई गैर कानूनी चीज नहीं है। यानी बिल्कुल सही कर रहा है वो बंदा कि ठीक है, मैंने इतने घंटे उसको दिए हैं तो तू भी मुझे अब इतने घंटे दे, मुझे चाहिए अब, और तू अब ठीक भी है, तू कर सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, कॉन्ट्रैक्ट में तो साइन हुआ था कि जब तू ठीक हो, कर सके, और मैं मुझे जरूरत हो, मैं मांगू तो तू मुझे उतने घंटे काम करके दे मेरे खेत, तो ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सही है, अगर ये सारी की बातें पहली से लेकर आखिर तक, ये सारी की सारी बिल्कुल सही है, इलीगल नहीं है, ठीक है। इन द अरेंजमेंट, मतलब जो सिस्टम, जो साइन किया कॉन्ट्रैक्ट, उसके हिसाब से सब कुछ सही है। बट इफ ए स्ट्रेंजर अराइव, लेकिन मान लो एक अजनबी व्यक्ति आता है ऑन द कोस्ट, उसी समुद्र किनारे, उस अनजान जगह पर, उस अनजान आइलैंड पे जहां पे वो रह रहे थे कई सालों से दोनों व्यक्ति, उस कोस्ट पर, उस तट पर कोई स्ट्रेंजर आता है एट दिस एडवांस एपोक ऑफ देयर पॉलिटिकल इकोनॉमी, मतलब उनकी जो ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था चल रही है, उन्होंने जो बंटवारा किया आपस में काम करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, इन सबको, मतलब वो उस कंडीशन में अब आया है वो, मान लो कि अनजान व्यक्ति, जब ये सब कुछ हो चुका है और अब वो व्यक्ति जिसके लिए पहले काम किया था उसने, पहले वाले ने, वो आराम करने बैठ गया है और वो उसकी एवज में अब काम कर रहा है, ठीक है। तो ही वुड फाइंड, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि वन मैन कमर्शियली रिच, एक व्यक्ति तो व्यापारिक रूप से या फिर बोल सकते हैं वाणिज्यिक रूप से अमीर हो चुका है, एक व्यक्ति तो है ना, जो कि अब आराम करने बैठा हुआ है, वो तो अमीर हो चुका है क्योंकि उसने पहले खूब खुद के खेत पे काम किया और उसके पे भी काम किया, ठीक है। द अदर कमर्शियली पुअर, और दूसरा वाणिज्यिक रूप से बोल सकते हैं गरीब हो चुका। ही वुड सी, वो ये देखेगा कि परहैप्स विद नो स्मॉल सरप्राइज वन पासिंग हिज डेज इन आइडलनेस, वो ये देखेगा आते कि यार एक व्यक्ति तो बिल्कुल मौज मस्ती में आराम से जिंदगी बिता रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, द अदर लेबरिंग फॉर बोथ, और दूसरा व्यक्ति वो दोनों के लिए काम कर रहा है, वो दे देखेगा कि एंड लिविंग स्पार्सली, और बेचारे के पास रहने के लिए और चीजें की भी बहुत कम है, खाने पीने की सब बहुत, मतलब बहुत ही थोड़े में गुजारा कर रहा है, लिविंग स्पार्सली इन दी होप ऑफ रिकवरिंग हिज इंडिपेंडेंस एट सम डिस्टेंट पीरियड, और वो इस उम्मीद में काम कर रहा है कि भविष्य में वो अपनी आजादी प्राप्त कर लेगा, ये सब काम निपटा के, वो सारे जो उसने आज तक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो काम करके वो खुद को आजाद कर लेगा इसके काम से, यानी अपनी आजादी प्राप्त कर लेगा। यानी कि अजनबी आके ये देखेगा, अजनबी आके क्या देखेगा कि भाई एक तो अमीर है, आराम कर रहा है, फरमा रहा है, दूसरा बेचारा गरीब है, वो दोनों के लिए काम कर रहा है और वो फ्यूचर में जाके मतलब अपनी आजादी के लिए काम कर रहा है कि कब आजाद हो, तो और उसकी कंडीशन भी खराब है, ठीक है। तो यही देखेगा एक व्यक्ति। तो दिस इज ऑफकोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ वन ओनली आउट ऑफ मेनी वेज इन विच इनइक्वालिटी ऑफ पोजिशन मे बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द डिफरेंट पर्सन्स गिविंग राइज टू द मर्केंटाइल फॉर्म्स ऑफ रिचेस एंड पुअर्टी। तो राइटर बोल रहे हैं कि दिस इज ऑफकोर्स, कि बिल्कुल सही बात है, यह एक उदाहरण है ओनली आउट ऑफ मैनी, बहुत से ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जिनमें से ये एक उदाहरण मैंने बताया है आपको, जिससे इनइक्वलिटी ऑफ पोजिशन आ जाता है, यानी कि संपत्ति में इनइक्वलिटी मतलब असमानता, यानी संपत्ति की असमानता आ जाती है। मे बी एस्टैब्लिश बिटवीन डिफरेंट पर्सन, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोगों के बीच में, जो बोलते हैं ना एक तो अमीर का अमीर हो गया बहुत ज्यादा, एक गरीब का गरीब हो गया ज्यादा ही, तो जो संपत्ति में जो असमानता आती है, इनइक्वालिटी आती है जो प्रॉपर्टी में, पोजिशन में, वो इस तरह से आती है ना, गिविंग राइज टू द मर्केंटाइल फॉर्म्स ऑफ रिचेज एंड पुअर्टी। तो इस ये आती है एक तरह से, मतलब इससे क्या होता है, मर्केंटाइल फॉर्म ऑफ रिचेज एंड पुअर्टी होता है। मर्केंटाइल फॉर्म एक्चुअली ऐसी होती है कि आप खुद को समृद्ध बनाने की कोशिश करते हो, परंतु आपके इन तौर तरीकों से हमेशा दूसरे वाले को नुकसान होता है। मर्केंटाइल एक्चुअली ट्रेड्स हुआ करती थी, मतलब पहले देश वगैरह जो है ना, आजकल भी होता ही हो, तो बिल्कुल कि एक एक देश चाहेगा कि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, यानी उसका निर्यात बढ़े, और अक्सर वो ऐसी चीज करेगा, या तो सस्ता बेचेगा, कुछ वैसा करेगा, परंतु जब एक देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे देश का एक्सपोर्ट कम होगा। तो ये मर्केंटलिज्म बोलते हैं इसको। क्या होगा कि ये एक एग्जांपल दिया राइटर ने बहुत से एग्जांपल्स में से, कि जिसके थ्रू आप बोल सकते हैं असमानता पैदा होती है प्रॉपर्टी की अलग अलग लोगों के बीच में, और इसी से मर्केंटाइल फॉर्म ऑफ रिचेज एंड पुअर्टी पैदा होती है, इसी से मर्केंटाइल तरीके से किस तरह से अमीरी होती है और किस तरह से गरीबी पैदा होती है। इन द इंस्टेंस बिफोर अस, अब जो हमारे सामने जो एग्जाम्पल है, वन ऑफ द मैन माइट फ्रॉम द फर्स्ट हैव डेलिबरेटली चूजन टू बी आइडल एंड टू पुट हिज लाइफ इन द पॉन फॉर प्रेजेंट ईज। अब ये भी हो सकता है कि इनमें से जो एक व्यक्ति है उसने पहले क्या किया, खुद को जानबूझ के बीमार कर लिया, फिर जानबूझ के वो आइडल पड़ा रहा, आराम करता रहा। जो व्यक्ति बीमार था, मान लो बीमार ही ना हो, वो जानबूझ के मतलब खुद ही आराम कर रहा था इतने दिनों से, तो उसने खुद को आराम की स्थिति में रखने के लिए
जानबूझ के काम नहीं किया एंड पुट हिज लाइफ इन द पॉन फॉर द प्रेजेंट इज, और उसने वर्तमान में कुछ देर आराम पाने के लिए अपनी जिंदगी एक तरह से प्यादे की बना दी सामने वाले के सामने, क्योंकि बाद में उतने घंटे से काम करना पड़ रहा है उसके सामने और खुद की प्रॉपर्टी भी नष्ट हो गई उसकी। और ही माइट हैव मिसमैनेज्ड हिज लैंड, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि शायद उसने खुद की जमीन को ढंग से उसका मैनेजमेंट ही नहीं किया, ढंग से संभाली ही नहीं। एंड बीन कंट्रोल टू हैव रिकोर्स टू हिज नेबर फॉर द फूड एंड हेल्प, और अब सॉरी कंपेल्ड, और अब वो क्या हो गया है, वो कंपेल्ड हो गया है, उस पर एक तरह से मजबूर कर दिया गया है कि वो अपने पड़ोसी से खाना पानी मांग रहा है, वो इस तरह की कंडीशन हो गई है उसकी। प्लेजिंग इज फ्यूचर लेबर फॉर इट, उसके लिए काम करके भविष्य में उसके लिए काम करना, उसने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट और अब वो क्या करता है, उससे खाना पानी मांगता है। मतलब एक व्यक्ति ने संभावना है बीमार हो गया वो तो एक चीज हो गई, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि उसने काम ही नहीं करना चाहा, वो आराम करने की सोची हो, अब सामने वाले ने उसे काम कर दिया, अब उसे भी काम करना पड़ रहा है, तो एक तरह से खुद को उसने गिरवी रख दिया कुछ देर के आराम के लिए, साथ में उसने खाना पानी पे भी उस पर निर्भर रह गया, खाने पानी के लिए भी खुद के पास स्टोर वगैरह सब खत्म हो गया है तो खाने पानी के लिए उस पर निर्भर रह गया है, तो सीधी सी बात है अब वो उसके उसके लिए काम करना पड़ेगा तब जाके उसको खाना पानी भी मिलेगा, है ना, वैसी सिचुएशन हो गई अब तो। बट वॉट आई वॉन्ट द रीडर टू नोट, परंतु राइटर बोल रहे हैं कि मैं क्या, वो क्या चीज है जो मैं नोटिस में लाना चाहता हूँ, वॉट आई वॉन्ट द रीडर नोट, मैं ये चाहता हूँ कि रीडर इस चीज को नोट करें, स्पेशली इज द फैक्ट, इस सच को कि कॉमन टू ए लार्ज नंबर ऑफ टिपिकल केसेस ऑफ दिस काइंड, इस तरह के जो केसेस होते हैं, टिपिकल केस मतलब यूजुअल, आमतौर पर जो इस तरह के केस होते हैं ना, उन सब में एक बहुत ही कॉमन चीज होती है, दैट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मर्केंटाइल वेल्थ विच कंसिस्ट इन ए क्लेम अपॉन लेबर सिग्निफाइज ए पॉलिटिकल डिमिनुएशन ऑफ द रियल वेल्थ विच कंसिस्ट इन सब्सटेंशियल पजेशन। वो ये नोटिस में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मर्केंटाइल वेल्थ पैदा की जाती है, यानी मर्केंटाइल तरीकों से जो इस तरह की जो धन दौलत पैदा की जाती है ना, इस्टेब्लिश की जाती है, स्थापित की जाती है, जिसमें आप दूसरे के लेबर पर आपका अधिकार समझते हैं, यानी कि आपने एक दूसरे के लेबर, दूसरे का लेबर आप प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि इसने यही तो है, ये मर्केंटाइल सिस्टम डेवलप हो गया इन दोनों बंदों के बीच में, एक बंदे के खेत, अब वो दूसरा वाला बंदा है उसको उसके खेत में काम करना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, तो कुल मिला के अब वो आराम करेगा, उससे सारा काम करवाएगा और धन दौलत कमाएगा, अब ये वाली चीज है। तो ये बोल रहा है कि अब जो इस तरह की धंधौलत बनती है ना, मर्केंटाइल वेल्थ डेवलप होती है जिसमें सामने वाले की लेबर पर काम होता है, इससे क्या होता है, पॉलिटिकल डिमिनेशन होता है। पॉलिटिकल डिमिनेशन का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से राजनीतिक, राजनीतिक शक्ति में कमी आना, पॉलिटिकल डिमिनेशन, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका मतलब ये निकल रहा है कि अब वो उससे लेबर करवाएगा, खुद आराम करेगा, बात क्या निकल रही है कि जो रियल वेल्थ है ना उस बंदे की, उनकी उनकी उसमें सब्सटेंशियल, मतलब जो कहीं अगर दोनों के दोनों बराबर में काम करते, से मैंने पहले बताया, तो उनकी प्रॉपर्टी कहीं और होती, कई गुना ज्यादा होती, तो उनकी पॉलिटिकल डिमिनेशन, राजनीतिक शक्ति में कमी आ रही है एक तरीके से, क्योंकि वो उतने अमीर रहे नहीं, राजनीतिक शक्ति भी अमीरी से निकल के आती है एक तरीके से, जो जितना सामर्थ्यवान होता है उसकी राजनीतिक शक्ति उतनी अधिक होती है, तो ना पॉलिटिकल डिमिनेशन में कमी आएगी और उनकी रियल वेल्थ में भी कमी आएगी, जो कि काफी अधिक होती है, सब्सटेंशियल पोजिशंस, यानी सिग्निफाइज ए पॉलिटिकल डिमिनेशन ऑफ द रियल वेल्थ, यानी उनकी जो रियल वेल्थ हो ना, असली धन दौलत होती जिसमें उनके सब्सटेंशियल पोजिशन आते हैं, यानी कि उनके पास में जो कई गुना धन मतलब प्रॉपर्टी इकट्ठा होती उसमें भी कमी आ जाएगी एक तरीके से, ये चीज होगी उनकी। अब टेक अनदर एग्जांपल, एक और उदाहरण लीजिए, एक और मतलब एक उदाहरण तो उन्होंने दे दिया दो व्यक्तियों का, ठीक है, अब एक और उदाहरण दीजिए, मोर कंसिस्टेंट विद द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ अफेयर्स ऑफ ट्रेड, जो कि ट्रेड में यानी व्यापार में अक्सर वैसा होता है, मतलब मोर कंसिस्टेंट, व्यापार से ज्यादा संबंधित भी है और सटीक भी है। देखो कैसे, सपोज दैट थ्री मैन, मान लो तीन व्यक्ति हैं, अब दो की जगह हम तीन लेते हैं, ठीक है, फॉर्म द लिटिल आइसोलेटेड रिपब्लिक, उन्होंने मान लो अलग अलग तीन गणतंत्र बना लिए, यानी तीन राज्य बना लिए तीनों व्यक्तियों ने, ठीक है, अब एंड फाउंड देमसेल्व्स ऑब्लाइज्ड टू सेपरेट इन ऑर्डर टू फार्म डिफरेंट पीसेज ऑफ लैंड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, और उन्होंने क्या किया है, एक दूसरे से एक बात ले, मतलब ये उनमें कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है बोल दो, वो आपस में उन्होंने निर्णय किया है कि वो अलग 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 जगहों पर अलग अलग जमीन पर काम करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर, सम डिस्टेंस, यानी थोड़ी एक वक्त एक व्यक्ति मान लो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, थोड़ी दूर दूरी पर वो काम करेंगे अपनी अपनी जमीन पे, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, ईच अदर अलोंग द कोस्ट, मतलब तट के किनारे किनारे, ईच यानी तट के किनारे, तो फिर मान लो ये तट है यूँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, जैसे भी मान लो, ठीक है, अब क्या हुआ, ईच एस्टेट फर्निशिंग ए डिस्टेंट काइंड ऑफ प्रोड्यूस, और हर जो प्रॉपर्टी है, ये तीनों अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, हर प्रॉपर्टी पर क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट काइंड ऑफ प्रोड्यूस, एक अलग चीज पैदा करेगा, ये मान लो उदाहरण दे रहा हूं, मान लो ये एप्पल प्रोड्यूस कर रहा है,
ये ग्रेप्स अंगूर पैदा कर रहा है, ये आम पैदा कर रहा है, उदाहरण देती है, जैसे अलग अलग चीजें पैदा कर रहे हैं मान, ठीक है, एंड ईच मोर और लेस इन नीड ऑफ द मटेरियल रीजन ऑफ अदर, और हर किसी को यानी इसको जरूरत है कुछ सामान इससे लेने की, इसको जरूरत है कुछ सामान इससे लेने की, और इसको जरूरत है कुछ सामान इससे लेने की, और इसको जरूरत है कुछ सामान इससे लेने की, मतलब आपस में इनको कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ती है वो चीज खुद की चीज पैदा करने के लिए, यानी खुद की खुद जो भी पैदा कर रहे हैं उसको पैदा करने के लिए इसको दूसरे से कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। सपोज दैट द थर्ड मैन, मान लो तीसरा जो व्यक्ति है इन दो इन तीनों में से जो एक व्यक्ति है, उसने इन ऑर्डर टू सेव द टाइम ऑफ ऑल थ्री, तीनों का समय बचाने के मतलब लिए उसने मान लो डिसाइड किया है कि भाई तीनों का समय बच जाएगा, अंडरटेक सिंपली टू सुपरिंटेंड द ट्रांसफरेंस ऑफ द कमोडिटीज फ्रॉम वन फार्म टू द अदर। उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि ठीक है यार तीनों का टाइम बच जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ मैं ये काम कर लेता हूँ। कौन सा वो काम करता है, अंडरटेक, वो काम लेता है, जिम्मा लेता है, सिंपली टू सुपरिंटेंड द ट्रांसफरेंस ऑफ द कमोडिटीज, कि मैं सामान को इधर उधर भेजने का काम करता हूँ कि तुझे जो सामान चाहिए मैं उससे लाके तुझे दे दूंगा, ट्रांसफर करवाऊंगा, तुझे कुछ उसको कुछ चाहिए तो मैं तुझसे लेके उसको पहुंचा दूंगा। मतलब जो ऐसे हम तीनों का टाइम खराब होगा, मैं उससे लेने जा रहा हूँ, वो मुझसे लेने आ रहा है, मैं उसके पास जा रहा हूँ, वो मेरे पास आ रहा है, इससे बढ़िया है कि मैं तुम दोनों के बीच का मतलब एक तरीके से मैं ये काम करता हूँ कि जिसको उसको तुझे कुछ सामान चाहिए तो उससे उधर पहुंचाने का जिम्मा मेरा, उसको कुछ चाहिए तो मेरा जिम्मा है, दोनों मतलब वो काम करेगा ट्रांसफर करने का सामान, ठीक है, फ्रॉम वन फार्म से दूसरे फार्म। और इसके बीच में कंडीशन क्या होगी, शर्त ये होगी ऑफ रिसीविंग सम सफिशिएंटली रिम्यूनरेटिव शेयर ऑफ एवरी पार्सल ऑफ गुड्स कन्वेड, यानी जो भी सामान वो एक से दूसरी तरफ भिजवाएगा उसमें कुछ हिस्सा मेरा होगा, क्योंकि भाई मैं तेरा इतना सामान मान लो मैं 100 पेटी भिजवा रहा हूँ, 100 पेटी ए के पास से बी के पास में मैं भिजवा रहा हूँ, ये बीच में सी बनता है, तो ठीक है मैं भिजवा रहा हूँ, तो भाई 10 पेटी मेरी होंगी, तू 100 भिजवा रहा है, मैं 90 भेजूंगा, मतलब तेरे पास 10 मेरी हो जाएंगी, मेरा भी तो कुछ हिस्सा होगा ना जब मैं काम कर रहा हूँ उसके बीच में। तो इस तरीके से वो क्या करेगा, उसने बोला है कि हर पार्सल में से मेरा भी कुछ हिस्सा रिम्यूनरेटिव शेयर, एक अच्छा खासा लाभ वाला हिस्सा होगा, और ऑफ सम अदर पार्सल रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर इट, या फिर अगर इसमें से हिस्सा नहीं देना चाहो तो किसी दूसरे हिस्से में किसी दूसरे पार्सल में से मुझे दे देना उसके बदले, ठीक है। ये मान लो यहाँ से आम गए, तुम मुझे आम नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, अंगूर भिजवाया तो अंगूर में से हिस्सा दे देना मुझे, दोनों का मिला के, आम वाले का भी और अंगूर वाले का भी, मतलब उसमें से एक साथ दे देना दोनों का हिस्सा, जो पहले वाले में कुछ नहीं दिया तो इसमें से एक साथ दे देना, तो कुल मिला के मतलब इस तरह का उनमें समझौता हो गया है, ठीक है। अब इफ दिस कैरियर और मैसेंजर ऑलवेज ब्रिंग्स टू ईच एस्टेट फ्रॉम द अदर व्हाट चीफली वांटेड एट द राइट टाइम, अगर मान लो ये जो बीच बिचौलिया है दोनों के बीच में बिचौलिया बन गया है, मैसेंजर कैरियर जो भी है सामान से इधर से उधर ले जाने वाला, ये हमेशा सारा सामान लाता है, ऑलवेज ब्रिंग्स हमेशा लाता है एक दूसरे के राज्य में एक दूसरे से फ्रॉम अदर व्हाट इज चीफली वांटेड, जो कि उनको चाहिए एट द राइट टाइम, हमेशा सही टाइम पे लाके दे देता है उनको। मान लो द ऑपरेशन ऑफ द टू फार्मर, दोनों किसान है ए और बी, उनके बीच में सारे लेन देन बिल्कुल क्या चलेंगे, विल गो प्रॉस्परसली, समृद्ध तरीके से चलते रहेंगे, क्योंकि ये तीसरा बंदा जो है बीच में इनको सही तरह से सामान ला दे रहा है, पहुंचा रहा है, तो उनका टाइम भी खर्च नहीं हो रहा और उनका खेती बाड़ी सब बिल्कुल समृद्ध तरीके से उनका व्यापार चलता रहेगा। एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन द प्रोड्यूसर वेल्थ विल बी ऑब्टेन्ड बाय द लिटिल कम्युनिटी, और जितना अधिक पॉसिबल हो सकता है ना उतना परिणाम स्वरूप उनकी प्रोड्यूस होगा, उनकी पैदावार होगी और उनकी धन दौलत भी बढ़ेगी दोनों की, और बिचौलिए की भी धन दौलत बढ़ेगी उसकी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो भी उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा हर बार लेगा, ठीक है। तो विल बी ऑब्टेन्ड बाय द लिटिल कम्युनिटी, मतलब बहुत कम आपस में कह सकते हैं कोई टकराव नहीं होगा, और बहुत कम मेल भाव के बिना ही, बहुत कम टसल, बहुत कम उलझे बिना वो आपस में ही बहुत सारा धन दौलत बना लेंगे, ठीक है, उनका अरेंजमेंट काफी सही चलता रहेगा। बट सपोज, पर मान लो आप इस बात को एक कंडीशन मानो, सपोज ऐसा होता है, क्या होता है, नो इंटरकोर्स बिटवीन द लैंड ओनर्स इज पॉसिबल एक्सेप्ट थ्रू द ट्रेवलिंग एजेंट, मान लो उन दोनों के बीच में बिना उस ट्रेवलिंग एजेंट यानी सी बंदे के बिना काम हो ही नहीं सकता, आपस में लेन देन हो ही नहीं सके, मान लो नो इंटरकोर्स बिटवीन द लैंड ओनर्स पॉसिबल, उनके बीच में कोई पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वो खुद आपस में डायरेक्ट लेन देन करना चाहे तो भी ना कर पाए, संभव ही ना हो, मतलब बिचौलिए से काम लेना ही पड़ेगा, मान लो ऐसी कंडीशन हो, तो फिर थ्रू द ट्रेवलिंग दैट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद में क्या होगा, दिस एजेंट वॉचिंग द कोर्स ऑफ ईच मैन्स एग्रीकल्चर कीप्स बैक द आर्टिकल्स विद विच ही हैज बीन इंटरेस्टेड, तो वो एजेंट क्या करेगा बिचौलिया, वो कुछ समय बाद में वो देखेगा कि हर आदमी की खेती में से, मतलब वो नजर रखेगा, वो गौर करेगा भाई इसको इससे सामान चाहिए, इसको इससे सामान चाहिए, बहुत जरूरी सामान चाहिए इनको, ठीक है, उनकी खेती में नजर रखेगा, तो वो क्या करेगा, कीप्स बैक द आर्टिकल्स विद विच ही हैज बीन इंटरेस्टेड, उसको जो सामान दिया जाएगा उस तक पहुंचाने के लिए वो उसको खुद दबा के बैठ जाएगा, खुद दबा के बैठ जाएगा जो उसको सामान इंटरेस्ट किया गया दिया गया है, कब तक दबा के बैठेगा,
देयर कम्स ए पीरियड ऑफ एक्सट्रीम नेसेसिटी, जब तक उस सामान की सामने वाले को बहुत ज्यादा जरूरत ना पड़ जाए। मतलब ए ने बी के लिए सामान भिजवाया है, परंतु बिचौलिया सी है, वो बीच में सारा सामान दबा के बैठ गया, मैक्सिमम सामान दबा के बैठ गया, और अब बी को बहुत ज्यादा जरूरत है भाई सामान की, मुझे जरूरत ही जरूरत, तब वो सामान छोड़ेगा उसको देने के लिए, यानी कि जो बोलते हैं ना जमाखोरी करना, वो कर लेगा ये। ठीक है, जब एक्सट्रीम नेसेसिटी का समय आएगा, बहुत ज्यादा जरूरत का सामान आएगा, तब वो उसको छोड़ेगा। फॉर देम ऑन वन साइड और देम, मतलब या तो इसको या इसको, जब भी जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा, तब तक बीच में दबा के बैठ जाएगा और तब सामान को छोड़ेगा। और इसके बदले में एग्जैक्ट इन एक्सचेंज फ्रॉम देम ऑल दैट द डिस्ट्रेस्ड फार्मर कैन स्पेयर ऑफ अदर काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस, और इसके बदले में वो क्या लेगा, उनसे बहुत ज्यादा हिस्सा लेगा एक तरीके से, यानी जो भी वो एक्स्ट्रा पैदावार ले कर रहे हैं ना मान लो, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसमें से हड़पने की कोशिश करेगा। इट इज इजी टू सी दैट बाय इंजीनियसली वॉचिंग हिज अपॉर्चुनिटीज ही माइट पजेस हिमसेल्फ रेगुलरली ऑफ द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सुपरफ्लूस प्रोड्यूसेस वेस्टेड, और इट इज इजी टू सी, यह देखना बिल्कुल आसान है, मतलब ये इजीली समझ सकते हैं इस चीज को कि वो इंजीनियसली वॉचिंग इज अपॉर्चुनिटीज, वो अपने अपॉर्चुनिटीज, अपने अवसरों को बहुत ही चालाकी से लगातार देखता है, मौका ढूंढता है कब मेरा अवसर आएगा। ही माइट पजेस हिमसेल्फ रेगुलरली ऑफ द ग्रेट पार्ट, तो वो संभावना है कि उसके पास में हमेशा बहुत अधिक हिस्सा बचेगा सुपरफिलियस प्रोड्यूस ऑफ द टू स्टेट, जो दो राज्य हैं उन दोनों राज्यों ने जो एक्स्ट्रा पैदावार करी है, उस एक्स्ट्रा पैदावार पे वो बहुत ज्यादा संभावना है इस तरह जमाखोरी करके ज्यादा से ज्यादा उन एक्स्ट्रा पैदावार में से खुद हड़प ले, क्योंकि तो जब भी वो सामान को छोड़ेगा उनको जरूरत पड़ेगी, तब वो उस एक्स्ट्रा पैदावार में से हमेशा बड़ा हिस्सा मांगेगा। तो ये बहुत ज्यादा समस्या है, मतलब बहुत ज्यादा मतलब संभावना है कि वो हमेशा ऐसी कंडीशन में वो ज्यादा कमाएगा बिचौलिया उन दोनों राज्यों से, जबकि पैदा वो कर रहे हैं फिर भी। एंड एट लास्ट, और आखिरकार क्या होगा, कुछ सालों बाद में, इन सम ईयर ऑफ सेवरल सीवरेज ट्रायल ऑफ स्कैसिटी, कुछ सालों के बाद में, मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा जब कोई कमी आएगी पैदावार की या उस तरह की समस्या होगी, तो वो क्या करेगा, उन दोनों के दोनों को ही खरीद लेगा राज्यों को, क्योंकि उसके पास में इतना धन दौलत आ चुकी होगी कि उन दोनों को ही खरीद लेगा। एंड मेंटेन द फॉर्मर प्रॉपर्टियर ट्रांसफर्ड एज लेबरर्स और सर्वेंट्स, और इन दोनों जो भूतकाल के ये दोनों जो मालिक थे, इनको अब क्या बना लेगा, खुद के राज्य में लेबर बना लेगा, क्या बना लेगा, लेबर, मजदूर बना देगा, वो लेबर या नौकर ये बना देगा। दिस वुड बी अ केस ऑफ कमर्शियल वेल्थ एक्वायर्ड ऑन द एग्जेक्टेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी, आज के आधुनिक जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था है ना, मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी, वो ऐसे ही नियमों पर चलती है, ये उदाहरण दिया अभी। ये केस है कमर्शियल वेल्थ, यानी कि जो आपने धन दौलत कमाई है, वेल्थ एक्वायर्ड, जो आपने धन दौलत इकट्ठा करी है इस तरह व्यापार से, ये उन्हीं सिद्धांतों पे चलती है जिन सिद्धांतों पे आज की आधुनिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था चलती है, ये उदाहरण उन्हीं का ही है, आज की आधुनिक मतलब पॉलिटिकल इकोनॉमी का। बट मोर डिस्टिंक्टली इवन देन इन द फॉर्मर इंस्टांस इट इज मैनिफेस्ट इन दिस दैट द वेल्थ ऑफ द स्टेट और द थ्री मैन कंसिडर्ड एज अ सोसाइटी इज कलेक्टिवली लेस देन इट वुड हैव बीन हैड द मर्चेंट बीन कंटेंट विद द जस्टर प्रॉफिट। अब देखो, बट मोर डिस्टिंक्टली इवन इन देन इन द फॉर्मर इंस्टेंस, मतलब पिछले वाले उदाहरण के मुकाबले इस उदाहरण में इट इज मैनिफेस्ट इन दिस, इस उदाहरण में ये ज्यादा क्लियर हो रहा है क्या, कि वेल्थ जो है ना स्टेट की, एक राज्य की जो धन दौलत है ना, अगर मान लो तीनों के तीनों आदमी ए बी और सी, तीनों के तीनों बिल्कुल सही ढंग से काम करते, मान लो सी सही टाइम पे सामान भिजवाता रहता और जितना उसका हिस्सा बनता है 10% जो फिक्स करता पहले वो उतना ही लेता, तो तीनों के तीनों क्या होते, तीनों के तीनों ज्यादा समृद्ध होते, कलेक्टिव देखो कंसिडर सोसाइटी इज करेक्टली लेस देन इट वुड हैव बीन, यानी कि अब जो तीनों की कंडीशन है ना, किसी तो अमीर हो गया और ए भी बिल्कुल गरीब हो गए, अब तीनों की जो कंडीशन है कलेक्टिवली, जो कंडीशन है ना अभी इनके, जो सोसाइटी की, इनके समाज की कंडीशन, वो क्या है, लेस है, कम है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, इट वुड हैव बीन हैड मर्चेंट बीन कंटेंट विद जस्टर प्रॉफिट, अगर ये बीच का व्यापारी जस्टर प्रॉफिट यानी न्यायचित प्रॉफिट तक ही सीमित रहता, ये जो बिचौलिया है एक न्यायचित यानी कि जस्टिफाइड, जितना प्रॉफिट उसके मतलब बोल सकते हैं मॉरल वैल्यूज के हिसाब से सही रहता, नैतिकता के हिसाब से जितना प्रॉफिट सही रहता, अगर वो उतना ही लेता रहता और ईमानदारी से काम करता, तो उस तीनों की धंधौलत जो होती टोटल मिला के, उसके सामने अभी जो है कंडीशन, ए और बी तो नौकर बन गए और सी बस पैसे वाला है, ये कम है, ये वाली कंडीशन क्या है, कम है, ये छोटी रह गई है, ये कंडीशन उल्टी ज्यादा सही होती अगर वो तीनों सही तरह काम करते बराबर से, ये बीच का बंदा खासतौर पर जो सही तरह काम करता था। तो द ऑपरेशंस ऑफ द टू एग्रीकल्चरलिस्ट हैव बीन क्रैम्प्ड टू द अटमोस्ट, क्योंकि अब बेचारे इन दोनों की जो खेती बाड़ी थी तो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, क्रैम्प्ड हो चुकी है, बिल्कुल ही सिमट के रह गई है,
एंड कॉन्टिन्यूअल लिमिटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ द थिंग, क्यों? क्योंकि इनकी जो चीजों की जरूरत थी आपस में, इनको हमेशा जरूरत पड़ती जो एक दूसरे से लेते थे, उसकी क्या हुई, उसकी लगातार लिमिटेशन, उसमें लगातार कमी आती गई सप्लाई में, है ना, चीजों की जो कि उनको चाहिए थी क्रिटिकल टाइम्स, बहुत ही जरूरत भरे टाइम पे जो चीज उनको चाहिए होती थी उसमें लगातार कमी आती गई सप्लाई में, क्यों? क्योंकि बीच का बंदा दबा के रखता हो गया उनको। टुगेदर विद द फेलियर ऑफ करेज कॉन्सिक्वेंट ऑन द प्रोलोंगेशन ऑफ द स्ट्रगल फॉर देयर मेयर एग्जिस्टेंस, और साथ में जब ऐसी कंडीशन होती जाती है कि आपकी खेती बाड़ी सफर कर रही है, आपको मतलब सही टाइम पे सामान नहीं मिल पा रहा है, तो आपका साहस भी फेल होने लग जाता है, क्यों? क्योंकि प्रोलोंगेशन ऑफ द स्ट्रगल फॉर मेयर एग्जिस्टेंस की वो सिर्फ खुद की मतलब दो टाइम का निवाला पैदा करने के लिए जी रहे हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिर्फ मेयर एग्जिस्टेंस, सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़े जा रहे हैं हर साल। ऐसा मान लो प्रॉफिट पे प्रॉफिट आता जाए तो इंसान में उत्साह बढ़ता जाता है, ठीक है इस बार में प्रॉफिट आया और प्रॉफिट कमाऊंगा, परंतु जब प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपने खुद के जीवन निर्वाह के लिए तरस रहे हैं, तो वैसी कंडीशन में उनका साहस भी उनका साथ छोड़ता गया, क्योंकि दो चीज हो गई, एक तो व्यापार सही नहीं हो रहा, बीच का बिचौलिया दबा के खा रहा है, और दूसरी चीज फिर उनका साहस भी साथ छोड़ता जाता है कि भाई कुछ कमा तो नहीं रहे हम इसमें, विदाउट एनी सेंस ऑफ परमानेंट गेन, क्योंकि लगातार कोई गेन हो ही नहीं रहा उनको, परमानेंट गेन आ ही नहीं रहा, मस्ट हैव सीरियसली डिमिनिश्ड द इफेक्टिव रिजल्ट्स ऑफ द लेबर, और इस चीज से फिर उनके लेबर पे भी असर पड़ा होगा, खुद के खेत पे जो जितने उत्साह से काम करते उतने उत्साह से काम भी नहीं कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि पैदावार से कुछ पैदा है मतलब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा उनको, एंड द स्टोर्स फाइनली एक्युमुलेटेड इन द मर्चेंट्स हैंड्स विल नॉट इन एनी वाइज बी ऑफ इक्विवेलेंट वैल्यू टू दोज व्हिच हैड हिज डीलिंग्स बीन ऑनेस्ट, और जो स्टोर्स जो उनके गोदाम है अब वो मर्चेंट के हाथ में चले गए हैं, उस बिचौलिए के हाथ में, व्यापारी के हाथ में चले गए हैं, वो अब उतनी वैल्यू के नहीं है जितनी वैल्यू के वो होते अगर ये तीनों के तीनों डीलिंग सही करते, मतलब स्पेशली वो बीच का बंदा सही डीलिंग करता, सही तरह ऑनेस्टली ईमानदारी से काम करता, तो वो भी अमीर होता, ए वाला भी अमीर होता, बी वाला भी अमीर होता और सी वाला भी अमीर होता, परंतु अब कौन है, सिर्फ सी वाला अमीर है, ए और बी बेचारे गरीब हो चुके। वुड हैव फील्ड एडवांस ग्रांटेड टू फार्मर्स एंड हिज ओन, मतलब वही है, उसने क्या किया है फार्मर्स की, अब खुद की जो अन्नगार है, ग्रेनरीज मतलब अन्नगार जहां पर अन्न रखे जाता है ना, स्टोर किए जाते हैं, उसकी खुद की ग्रेनरीज तो भर गई है पर फार्मर्स की खाली हो गई है। तो जो पूरा का पूरा जो सवाल उठता है ना, होल क्वेश्चन देयरफॉर रिस्पेक्टिंग नॉट ओनली द एडवांटेज, कि आपको जो मौका मिल रहा है ठीक है, आपको एडवांटेज मिल रहा है उसका आपको सम्मान ही नहीं करना चाहिए, बट इवन द क्वांटिटी, परंतु साथ में इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि कितना फायदा उठा रहे हो। ठीक है भाई फायदा मिल रहा है तो ठीक है, 10% ले रहे हो अच्छी बात है, इतना लो ना जितना नेट ठीक है, मतलब जस्टिफाइड, हिंदी में ये वर्ड मेरे को प्रॉपरली आ नहीं रहा है, मतलब न्यायिक रूप से जो सही ठहरे, मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि आप बीच का काम करने के लिए ठीक है सामान पैदा ए कर रहा है, पैदा बी कर रहा है, सब कुछ पैदा वो कर रहे हैं, बीच वाला सिर्फ ट्रांसफर तो कर रहा है सामान को, तो ट्रांसफर करने की ड्यूटी के हिसाब से 10% 20% जो लेता है उतना ले, ऐसा थोड़ा ना है कि साला पूरा का पूरा 50% खा जाएगा, सब बर्बाद कर देगा है? या फिर उनको लूट खाएगा, बीच में सब जमाखोरी इकट्ठा कर लेगा और फिर बाद में एक साथ बेचेगा, वैसा नहीं हो ना। तो वही चीज है कि पूरा का पूरा जो सवाल उठता है वो इस बात पे है देयरफॉर कि रेस्पेक्टिंग नॉट ओनली द एडवांटेज, कि ठीक है आपको मौका मिल रहा है, इसको मौका मिल रहा था बीच में कमाने का, तो आप एडवांटेज का ना मतलब यहाँ तो सम्मान भी करें, तो आपको जो मौका मिल रहा है उसका सम्मान करें, एडवांटेज है आपको उसका सम्मान करें, परंतु क्वांटिटी का भी ध्यान रखें कि कितनी क्वांटिटी में आप उसका सम्मान कर रहे हैं या कितना उसका फायदा उठा रहे हैं। एडवांटेज मिल रहा है फायदा उठाओ, मना नहीं कर रहा कोई, परंतु फायदा कितना हद तक उठा रहे हो इसका भी ध्यान रखो, क्वांटिटी का। ऑफ नेशनल वेल्थ रिजॉल्विंग इटसेल्फ फाइनली इनटू वन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट जस्टिस, क्योंकि बात कहाँ की है, बात न्याय की है, सवाल न्याय का है कि जो राष्ट्रीय संपत्ति है उसमें आपको एक कमाने का मौका मिल रहा है, तो अपने एडवांटेज में आप ध्यान रखो कितना एडवांटेज उठा रहे हो, जहां इतना ही उठाओ जो न्यायोचित है, जो न्याय के हिसाब से ठीक है। इट इज इम्पॉसिबल टू कंक्लूड ऑफ एनी गिवन मास ऑफ एक्वायर्ड वेल्थ मेयरली बाय द फैक्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस, ये मतलब किसी निष्कर्ष पे पहुंचना इम्पॉसिबल है, ऑफ एनी गिवन मास ऑफ एक्वायर्ड वेल्थ मेयरली बाय द फैक्ट ऑफ इट एग्जिस्टेंस, यानी कि मान लो कोई धन दौलत पैदा की गई है, वो अस्तित्व में है, मान लो काफी सारी धन दौलत है, केवल धन दौलत है, इस धन दौलत के होने से हम इस निर्णय पे नहीं, इस मतलब निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं, वी कैन नॉट कंक्लूड, हम उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते हैं वेदर इट सिग्निफाइज गुड और इविल टू द नेशन इन द मिड ऑफ इट्स एग्जिस्ट, मिड ऑफ इट्स एग्जिस्ट, कि यह राज्य के लिए अच्छी है कि बुरी है, या अच्छे कामों के द्वारा आई है कि बुरे कामों के द्वारा आई, यानी कि आपके सामने धन दौलत लाके रख दी है, इस बात से ये डिसाइड नहीं होगा कि धन दौलत अच्छी है कि बुरी है, ये अच्छे कामों के द्वारा पैदा की गई कि बुरे कामों के द्वारा पैदा की गई है ना, मेयरली बाय द फैक्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस वेदर इट सिग्निफाइज गुड और इविल टू द नेशन इन द मिड ऑफ इट्स एग्जिस्ट व्हिच इट एग्जिस्ट, इट्स रियल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मॉरल साइंस अटैच्ड टू इट,
उस धन की जो रियल वैल्यू है ना, वो इस बात पर निर्भर करेगी कि इसके साथ में जो नैतिक चिन्ह जुड़े हुए हैं, कि क्या ये नैतिक रूप से कमाई गई है। जो ब्लैक मनी की हम बात करते हैं, काले धन की, वो काले धन क्या होता है? गलत तरीके से, अवैध तरीके से कमाया गया पैसा, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देता, है ना। तो वो चीज है कि एक धन है, एक प्रॉपर्टी है, उसकी रियल वैल्यू कहाँ से आएगी? उसकी रियल वैल्यू का पता तब चलेगा जब उसके साथ में जुड़ी नैतिकता का पता चलेगा, क्या वो नैतिक तरीके से कमाई गई है कि नहीं कमाई गई है। उसी तरीके से, जिस तरीके से एक मैथ्स में किसी क्वांटिटी का कोई नंबर है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके आगे कौन सा एलजेब्रिक साइन लगा हुआ है। मान लो 100 है, 100 के आगे माइनस लग गया तो ये तो कम है, प्लस लगा हुआ है तो 100 बड़ा है ना। तो ये जो साइन है, यही तो डिसाइड कर रहा है कि 100 की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी। तो वही बात बोलना चाहता है राइटर कि किसी धन दौलत की जो रियल वैल्यू है, वो उस बात से पता चलती है कि वो मॉरल साइन उसके साथ में कैसे हैं, वो नैतिक चीजें जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी हुई। ठीक है। एनी गिवन एक्यूमुलेशन ऑफ कमर्शियल वेल्थ मे बी इंडिकेटिव ऑन द वन हैंड ऑफ फेथफुल इंडस्ट्रीज, प्रोग्रेसिव एनर्जीज एंड प्रोडक्टिव इंजेनिटीज, और ऑन द अदर हैंड इट मे बी इंडिकेटिव ऑफ मॉर्टल लग्जरी, मर्सीलेस टिरेनी, रूनस चिकेल। यानी कि कोई धन दौलत जो एक्यूमुलेट, इकट्ठा की गई है, कमर्शियल वेल्थ पैदा की गई है, वो इंडिकेटिव है, इस चीज का इशारा देती है कि ऑन दी वन एंड की एक हाथ, एक तरफ तो इसको आप बोल सकते हो कि बहुत ही मेहनत से, इंडस्ट्री से पैदा की गई है, प्रोग्रेसिव एनर्जी मतलब पूरा लेबर वेबर लगा के ढंग से काम करके पैदा की गई है, प्रोडक्टिव इंजेनिटीज दिमाग लगाया गया है कैसे पैदावार बढ़ानी है ना। और दूसरी तरफ बोल सकते हो आप, वो इस चीज का भी सूचक हो सकती है कि मॉर्टल लग्जरी, किस तरह से आराम मतलब कह सकते हो इस तरह से आपने पैदा की गई है कि उसमें आपने सामने वाले का खून पसीना पूरा का पूरा निचोड़ लिया। मर्सीलेस ट्रेनी, बहुत ज्यादा आपने उसमें कठोरता बरती है, उस धन दौलत को पैदा करने में आपने बहुत ज्यादा उसमें क्या लिखा है, आपने दया की भावना नहीं दिखाई, आपने पूरे तानाशाही तरीका अपनाया है। रूनियस चिकेन, आपने बेईमानी इस्तेमाल करी है। तो सम ट्रेजर्स आर हैवी विद ह्यूमन टीयर्स, तो इस तरह से कुछ जो धन दौलत होती है ना, कुछ खजाने होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बहुत भारी हो चुके होते हैं इंसानी आंसुओं से, क्योंकि आपने कमाया है। वो उस तरह से होता है कि सामने वाले को पीड़ा देके, किसी मजदूर से काम करवाया है तो मजदूर से इस तरह से काम करवाया है कि पूरे 12 से 18 घंटे काम करवाया है, बेचारे के आंसू निकलवा लिए आपने। एज एन इल स्टोर्ड हार्वेस्ट विद अनटाइमली रेन, यानी कि सम ट्रेजर्स आर हैवी विद ह्यूमन टीयर्स, एज एन इल स्टोर्ड हार्वेस्ट विद अनटाइमली रेन। जिस तरीके से एक कमाई है, एक जो एक मतलब पैदावार है जिसपे असमय बारिश हो गई है और वो पैदावार खराब हो गई है और उसको आपने स्टोर कर रखा है, एंड सम गोल्ड इज ब्राइटर, तो उसी तरीके से आप बोल सकते हो कोई धंधो, कोई गोल्ड है, वो दिखने में तो चमकदार है परंतु अंदर से उसकी वैल्यू इतनी नहीं है, मतलब नकली है। उसी तरीके से बात हो रही है कि वो धन दौलत, वो धन जो आपने इकट्ठा किया, ऊपर से तो खूब है, धन है, परंतु अंदर देखोगे तो दूसरी दुनिया भर के आंसू भरे पड़े हैं, दुनिया भर को तड़पा के आपने पैदा किया है वो धन, उसमें ह्यूमन टीयर्स भरे हुए हैं, है ना। तो यही बात है, यही वेल्थ की वैल्यू है। रस्किन, जॉन रस्किन इसी चीज को तो बोल रहे हैं कि जो तुम्हारी वेल्थ की रियल वैल्यू है ना, वो कहाँ से पता चलती है, वो पता चलती है वेल्थ किस तरीके से कमाई गई है, वेल्थ कमाने के तरीके क्या है। देखो हमने दो एग्जाम्पल्स देखे, इन्होंने राइटर ने दो एग्जाम्पल दिए, पहले दो बंदों के एग्जाम्पल दिए है ना, एक ने दूसरे काम किया, एक आराम करता रहा है ना, बाद में दूसरे वाले ने आराम करना का सोचा और उससे काम करवाया, और बेचारा वो और भी गरीब हो गया, क्योंकि पहले तो वैसे आराम कर रहा था और अब वो दूसरे खेत में काम कर रहा है, तो ये और करीब हो गया, ये अमीर हो गया है ना, ये वाली चीज हो गई। परंतु दोनों की वेल्थ तो फिर भी कम ही रह गई अगर दोनों साथ में मिल गए, या दोनों की दोनों हेल्थी रूप में काम करते रहते तो। और दूसरा उदाहरण तो और भी सटीक था कि तीन लोगों का, एक बीच में दोनों से निकाल निकाल के वसूल करके, जमाखोरी करके कमा रहा था। तो इस तरह की जो तरीके से जो आप वेल्थ कमाते हो ना, ये वेल्थ तो बन जाती है परंतु आपकी वेल्थ बन रही है, इसे बोलते हैं मर्केंटाइल वेल्थ। क्यों? क्योंकि आपने दूसरों के नुकसान पहुंचा के वो कमाई है, दूसरों को नुकसान पहुंचा कमाई है, मर्केंटाइल तरीकों से कमाई गई है। तो बोल तो इसके खिलाफ थे जॉन रस्किन, इस मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था है, इसके खिलाफ थे जॉन रस्किन कि जिस अर्थव्यवस्था के कमाने के तरीके में अगर आप बोल सकते हो मोरालिटी नहीं है, नैतिक चीज नहीं है ना, तो वो वेल्थ भी ठीक नहीं है, वो वेल्थ भी उनकी नजर में बुराई है। समझ गए आप? ऐसे समझ में आ गया होगा आपको, अब तक बहुत ढंग से आ गया होगा आई होप, द वैल्यू ऑफ वेल्थ। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले लेक्चर में जल्दी। आप ये वीडियोस दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। ठीक है।